गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना लेसन नंबर 11 टेंसेस शुरू करेंगे। इसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस हम इसमें पढ़ रहे हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे। सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि हम भूतकाल को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, यानी जो काम पहले हो चुका है उसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फर्स्ट, एन एक्शन दैट टुक प्लेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। ऐसा कार्य जो भूतकाल में कभी किया जा चुका है, जैसे दे सॉ द ताजमहल लास्ट वीक ऑन वेनसडे। उन्होंने ताजमहल पिछले हफ्ते बुधवार को देखा था। ठीक है, ये काम पहले किया जा चुका है। नेक्स्ट देखो, एन एक्शन दैट टुक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। ऐसा एक्शन, ऐसा काम जो भूतकाल में किया जा चुका है और बहुत लंबे टाइम तक चला है, ऐसा कार्य उसको भी आप पास्ट सिंपल पास्ट टेंस से एक्सप्रेस करो। जैसे शेक्सपियर रॉट हिज प्लेस ड्यूरिंग रेनिएशंस पीरियड। तो इसमें क्या है, रेनिएशंस पीरियड होता है, काल था एक, उसमें शेक्सपियर ने अपने प्लेस यानी कि नाटकों को लिखा था। नेक्स्ट देखो, अ पास्ट हैबिट, कोई पुरानी आदत। वर्ड्स लाइक ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स एक्सेट्रा आर यूज इन सच सेंटेंसेस। अगर कोई पुरानी आदत है और उसके बारे में अगर आप बता रहे हो तो आप ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स इन सब शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो उस वाक्य में। देखो, माई मदर ऑलवेज टोल्ड मी टू बी पेशेंट। जो मेरी मॉम है वो हमेशा मुझे क्या कहती है कि मुझे सब्र से काम लेना चाहिए, कि मुझे सब्र रखना चाहिए। तो इसमें देखो ऑलवेज वर्ड यूज़ किया गया है, शब्द ये किसका है, इसका। तो अगर आपको कोई भी पुरानी आदत को व्यक्त करना हो तो आप इन वर्ड्स के सहारे व्यक्त कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अ कंडीशन डेट हैज़ नॉट अकर्ड, ऐसी घटना जो हुई ही नहीं है उसके बारे में बात कर रहे हो, तो वो भी किस में आएगा, सिंपल पास्ट टेंस में। इफ़ यू वर्कड हार्ड, अगर तुमने कड़ी मेहनत की होगी, यू वुड हैव बीन सक्सेसफुल, तुम ज़रूर सफल हो जाओगे। ठीक है, तो अभी कोई रिजल्ट नहीं आया कि सफल हुए हैं या नहीं, बट हाँ अगर तुमने मेहनत की होगी तब ज़रूर सफल हो जाओगे। तो ये जो परिस्थिति है ये अभी आई ही नहीं है, है ना, उसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट देखो, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, इसमें भविष्यकाल की बात होती है। द फ्यूचर टेंस इज़ यूज टू टेल वट विल हैपन और वट शैल हैपन। जो फ्यूचर टेंस है, जो भविष्यकाल है, वो हमें ये बताते हैं कि क्या होने वाला है, कि क्या होने वाला है, हमें ये बताता है। इसमें हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, विल और शैल, दो हेल्पिंग वर्ब्स का। द सिंपल फ्यूचर टेंस, जो सिंपल फ्यूचर टेंस है उन्हें हम ऐसे एक्सप्रेस, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी हम इतना ही करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी।